फ्रॉम मुंबई टैटू। आज हम कॉइल मशीन के बारे में बात करेंगे। कॉइल मशीन जो होती है ना, बहुत स्ट्रांग होती है और हार्ड वर्किंग मशीन होती है। रोटरी मशीन, पेन मशीन, कार्ट्रिज मशीन, ये सब अपडेटेड मशीन है, बट कॉइल मशीन जो है वो बेसिक मशीन है। चीप रेट में मशीन मिलती है, बेसिक मशीन बोला जाता है जिसको, जिसके लिए कॉस्टिंग भी कम लगता है बट मशीन स्ट्रांग होती है। रोटरी मशीन पुराने आर्टिस्ट लोग के लिए अच्छी है, पेन मशीन प्रोफेशनल आर्टिस्ट लोग के लिए अच्छी है। तो जितना आदमी प्रोफेशनल बनता है ना, उतने प्रोफेशनल इक्विपमेंट यूज़ करता है, गलत नहीं है, वो सही है। जैसे जैसे आदमी आगे बढ़ता है उसको वैसे वैसे मशीन बदलना चाहिए, अपना स्टूडियो बदलना चाहिए, अपना सेटअप बदलना चाहिए, अपना स्टाइल बदलना चाहिए, अपना काम बदलना चाहिए, सारी बातें सही है। लेकिन जो ये मेरे पास कॉइल मशीन है, ये मैंने उन लोगों के लिए रखा है जो अपना काम स्टार्ट करना चाहते हैं, जिसके अंदर कला है लेकिन उनके पास सामान नहीं है टैटू का काम करने के लिए। तो हम लोग ने एक बहुत छोटी सी किट भी बनाई है कम रेट में, वो इसलिए क्योंकि टैटू जो है ना, मैं चाहता हूँ कि ये कॉमन हो जाए। जितना कॉमन मैंने किया है, मैं इधर ये लाइन में 20 साल हो गए मेरे को ये फील्ड में, तो ज़्यादातर लोग टैटू वाले मुझे पहचानते हैं मेरे नाम से, मेरे मुंबई टैटू के नाम से लोग पहचानते हैं। वो इसलिए क्योंकि मैं छोटे लोगों को ज़्यादा हेल्प करता हूँ। जो भी स्टार्टर है वो ज़्यादातर मुंबई से ही स्टार्ट हुआ है, मुंबई टैटू से स्टार्ट हुआ है। किसी ने मुंबई टैटू से सीख के अपना काम स्टार्ट किया है, किसी ने मुंबई टैटू से इक्विपमेंट लेके अपना काम स्टार्ट किया ऐसा है, या फिर किसी ने किसी के थ्रू लिया है तभी भी उसको मुंबई टैटू का इक्विपमेंट मिला है, हाई रेट्स में मिला है। फिर जब वो मेरे तक आता है तो उसको पता लगता है कि क्या रेट्स होता है, फिर उसके बाद में वो लोगों को बताता है कि डायरेक्ट मुंबई टैटू से ना ऑर्डर सस्ता है। तो जितने भी आर्टिस्ट हैं ना, 90% जो है ना, 95-99% बोल सकता हूँ कि उनकी स्टार्टिंग जो है ना वो हमारे यहाँ से होती है, मुंबई टैटू से। क्यों? क्योंकि हम लोग सस्ते प्रोडक्ट पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। सस्ता प्रोडक्ट क्यों होता है? सस्ते लोगों को, जो स्टार्ट करना चाहते हैं। अगर मैं सिर्फ महंगा प्रोडक्ट बेचूंगा, सिर्फ ब्रांड ब्रांड ब्रांड, तो जो स्टार्टर है, जिसको स्टार्टिंग से टैटू आर्टिस्ट बनना है, गरीब है, वो कैसे बनेगा? वो बन ही नहीं पाएगा। कहाँ से लाएगा वो मशीन, क्या करेगा वो? तो जो गरीब है, जिसको आगे बढ़ना है, उनका आर्ट अच्छा है, उनको टैटू करना है, उनका ड्रीम है टैटू करना, लेकिन अगर वो मशीन के रेट सुनता है 20,000, 25,000, 40,000, 50,000, तो वो अपने ड्रीम को मार देगा, अपने आर्ट को क्या मार देगा। वो चाहता है मैं लोगों के ऊपर टैटू बनाऊँ कम रेट्स में, लेकिन उसको मौका नहीं मिल रहा है। वो क्लासेस के लिए कहीं जाता है तो कोई उसको बोलता है 1,00,000 रुपया, 1.5 लाख रुपया सामान इक्विपमेंट्स, उसके बाद में 40,000, 50,000, 80,000, ऐसे कुछ नहीं है दोस्त, ऐसे कुछ भी नहीं है। हमारे इधर 40,000 रुपीज़ में कोर्स होता है, वो भी इतनी सारी चीज़ें हम सिखाते हैं जो शायद ही कोई सिखाता होगा। 1.5 लाख रुपये लेने वाले भी इतना नहीं सिखाते होंगे। मशीन थियरी, मशीन ट्यूनिंग, ब्लैक एंड ग्रे टैटूइंग, हाइजीन, नीडल, कलर थियरी, डिज़ाइन ट्रांसफ़र, ड्रेसिंग, हेक्टो, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ों को हम डिटेल से सिखाते हैं। तो ये हमने कम रेट्स रखे 40,000 रुपीज़ इसके लिए कि लोग हमसे सीखे, हमसे सामान ले और हमसे सामान लेते रहे और टैटू को और बढ़ाएं। टैटू को जितना बढ़ाना है ना उतना मैं बढ़ाते रहूँगा, मेरी जितनी कोशिश है वो जारी रहेगी। मैं महंगी मशीन से भी वीडियो बनाता हूँ प्रोफेशनल आर्टिस्टों के लिए, है ना, और जो स्टार्टर आर्टिस्ट है उनके लिए भी वीडियो बनाता हूँ। तो दोस्त, कभी भी अगर आपको टैटू करना है तो पहले तो ट्रेनिंग ज़रूरी है। लोग बोलते हैं कि मैं यूट्यूब के वीडियो देख के टैटू आर्टिस्ट बन जाऊँ, ठीक है आप प्रैक्टिस कर सकते हो उससे, लेकिन एक अच्छा टैटू आर्टिस्ट नहीं बन सकते। तो कोई भी चीज़ अगर आपको लाइफ में सीखनी है तो उसके लिए आपको गुरु की ज़रूरत है। अगर आपके पास गुरु नहीं है तो आपका ज्ञान अधूरा है, तो गुरु बिना ज्ञान अधूरा है, हमेशा गुरु होना ज़रूरी है। तो अगर आप छोटे लेवल से भी स्टार्ट कर रहे हो तो स्टार्ट कर सकते हो, बट आपका कोई गुरु होना चाहिए, चाहे वो फीस ले रहा है आपसे या नहीं ले रहा है, बट गुरु होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने से कितना करोगे? 850-900 प्रोडक्ट तो टैटू के मेरे पास है, हर चीज़ की इंक्वायरी आप इंटरनेट से कैसे लोगे, कितना लोगे? प्रैक्टिकली नॉलेज आपको आपका एक सर ही दे सकता है, तो सर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, बेसिक मशीन ले रहे हो, बेसिक किट ले रहे हो, प्रैक्टिस करो, उसके बाद में जब आपको आगे बढ़ना है तो एक सर का सहारा होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है।
तो ये मैं लोगों को बोलना चाहता हूँ कि आप गंदे टैटू मत बनाओ, अच्छे टैटू बनाओ। और अच्छे टैटू बनाने के लिए कला है आपके पास, और आपके पास इक्विपमेंट अच्छा होना ज़रूरी नहीं है, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। अच्छे टैटू बनाने के लिए इक्विपमेंट अच्छा होना ज़रूरी नहीं है, अच्छे टैटू बनाने के लिए आदमी के अंदर कला होनी चाहिए। अगर उसके पास कला नहीं है, मैं उसको एक 50,000 का मशीन दे दूंगा तो वो अच्छा टैटू नहीं बना पाएगा। अगर एक टैटू आर्टिस्ट है, उसके पास कला है, वो आर्टिस्ट बन गया है, अगर मैं उसको ये मशीन भी दूंगा ना, जो मशीन के बारे में मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, अगर आर्टिस्ट अच्छा है, उसका काम अच्छा है, ठीक है, तो अगर मैं उसको ये टैटू भी दूंगा ना, ये मशीन भी दूंगा ना, तो ये मशीन से वो बहुत कुछ बना लेगा, पोर्ट्रेट बना लेगा, लाइन वर्क कर लेगा, शेडिंग कर लेगा, सब कुछ कर लेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास वो कला है। तो जो कलाकार होते हैं ना दोस्त, तो उनको इक्विपमेंट अच्छे नहीं चाहिए, उनको अपनी कला दिखाने का मौका चाहिए। तो ये मशीन मैं आगे ला रहा हूँ, कलाकारों को अपना मौका दे रहा हूँ कि वो अपनी कला दिखाएं, प्रैक्टिस करें, अच्छे से सीखें, उसके बाद में टैटू आर्टिस्ट बने। तो ये इससे आप टैटू भी कर सकते हो, ऐसे नहीं है कि ये मशीन सस्ता है तो इससे आप सिर्फ प्रैक्टिस करोगे। ये मशीन सस्ता है, ऊपर से अच्छा है। मैं आपको 10,000 की मशीन की इतनी गारंटी नहीं दूंगा जितनी मैं इसकी गारंटी दूंगा। क्यों? कि हमने भी ए लेवल से स्टार्ट किया है और हमको पता है 10,000 की मशीन के अंदर के जो इक्विपमेंट्स हैं ना, वो आपको ईजीली नहीं मिलेंगे। इसके अंदर के जो इक्विपमेंट्स हैं ना, अगर कुछ ख़राब होगा ना, तो ये आपको ईजीली मिल जाएगा। रोटरी मशीन में बहुत सारे डिज़ाइन हैं, आप इंटरनेट पर देखो तो हर डिज़ाइन के अंदर के पार्ट्स जो है ना, वो आपको अवेलेबल ही मिलेंगी अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मेरे पास भी नहीं मिलेंगे। रोटरी मशीन के बारे में बात कर रहा हूँ, और इसका ना आपको हर एक पार्ट मिल जाएगा अगर ये ख़राब होती है, और वैसे ये ख़राब ही नहीं होती अगर इसको आप अच्छे से यूज़ करोगे, ये कभी ख़राब नहीं। कॉइल मशीन बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत अच्छी होती है। तो ये जो है ना आपका हथियार है, ठीक है, आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको ये मशीन आगे लेके जाएगी, कोई भी मशीन आगे ले जाएगी। बट ये मशीन आप अगर छोटे लेवल से चालू करना चाहते हो, आप ये सस्ता मशीन ले सकते हो। ये सिर्फ अभी हमने 1,000 रुपये रखा है ये मशीन का, 1,000 रुपीज़। इसमें अभी 4 कलर अवेलेबल है, तो जब भी आप पूछोगे ना मेरी मार्केटिंग गर्ल्स को या मुझे, तो मैं बता दूंगा कितने कलर अवेलेबल है इसमें, तो उस हिसाब से आप इसको बाय कर सकते हो। ओनली 1,000 रुपीज़, 1,000 रुपये की मशीन है, इससे आप स्टार्ट करो। इसके आगे के सामान चाहिए तो पूरा किट ले लो, मैंने किट भी बनाया है 5,000 रुपये की, 5,500 रुपये की, 6,000 रुपये की आप लोग के लिए। तो बेसिक किट लो, लाइफ में आगे बढ़ो। किट के अंदर मशीन एक आएगी, और एक एक्स्ट्रा मशीन लेना है आपको तो उसके बाद ये अलग से बाय कर लो, या फिर आपके कोई फ्रेंड सर्कल में किसी ने आपको सामान दे दिया, पावर सप्लाई, फुट स्विच, फ्लिपकार्ट, कलर, नहीं तो आपको सिर्फ मशीन चाहिए तो आप ये मशीन ले लो, ये बहुत अच्छी मशीन है और बहुत चलती है। इसकी गारंटी मैं खुद दूंगा आपको 6 महीने की, कॉइल की 6 महीने की वारंटी मैं खुद दूंगा आपको, 1,000 रुपये की मशीन में 6 महीने की वारंटी दूंगा, और क्या चाहिए ऐसे। तो ये मशीन के बारे में मैं आपको बता रहा था, ये बहुत अच्छी मशीन है, आपकी स्टार्टिंग के लिए बहुत अच्छा है, मैं इसको आपको चला के भी दिखाता हूँ। बेसिक मशीन होती है, इसमें कुछ भी नहीं करना होता है आपको, जस्ट ये क्लिप कॉर्ड है आपका, ये क्लिप कॉर्ड आपको इधर लगाना है और फिर स्विच से दबा के देखना है आपकी मशीन। स्ट्रॉन्ग है, 8 रैप इसका कॉइल का जो रैप है वो 8 रैप है, शॉर्ट स्प्रिंग है, इसको 8 रैप शॉर्ट स्प्रिंग लाइनर बोलते हैं, 8 रैप शॉर्ट स्प्रिंग लाइनर। की स्पीड देखो हम क्या स्पीड पे चल रहे हैं, ठीक है, 7-8 के ऊपर इतना अच्छा ये चलता है। सारी मशीन है, स्लो करो, साढ़े पाँच छः पे भी चलता है, टॉप शेडिंग देना है आपको, आराम से काम बिंदास यूज करो, 1,000 रुपये में 6 महीने की गारंटी के साथ, पूरा इक्विपमेंट नहीं, ओनली मशीन, ग्रिप ग्रिप नहीं आएगा इसमें, वो सब आपको अपना यूज करना है। आपकी मशीन में कुछ प्रॉब्लम है और आप काम करना चाहते हो तो आपके पास नहीं है, तो स्टार्टिंग के लिए आप ये मशीन ले सकते हो और इससे अच्छा काम कर सकते हो। अगर आपकी कला है तो आप अपनी कला को छोटे मशीन से भी दिखा सकते हो, बड़ा मशीन लेने का ज़रूरत नहीं है अगर आपकी बजट नहीं है, ठीक है। तो ये मशीन हमने इसलिए बनाया है कि जितने भी हमारे छोटे आर्टिस्ट, बेसिक आर्टिस्ट हो गए जिनको मशीन का प्रॉब्लम रहता है,
वो अपने लिए 1000 रुपए की मशीन लेके आराम से काम कर सकते हैं। अगर 1000 रुपए भी आपके पास नहीं है, किसी फ्रेंड से लो ये मशीन, लो उसको कमा के दे दो। तो यही मशीन का एक किट के बारे में जो मैं बता रहा था, मैं उसका भी वीडियो डालने वाला हूँ। सिर्फ 5000 रुपीज में किट है, आप स्टार्ट करो, प्रैक्टिस करो, टैटू करो, लेकिन सीख के प्रैक्टिस अपने हिसाब से करो, यूट्यूब के वीडियोस देख के करो। और उसके बाद में अगर किसी की बॉडी में करना है तो आपको गुरु होना बहुत ज़रूरी है, आपका कोई टीचर होना बहुत ज़रूरी है। तो कोई टीचर बनाओ जिस पर आपको ट्रस्ट हो, चाहे वो पैसा ले नहीं ले, मतलब फ्रेंड सर्कल में भी होते लोग टैटू आर्टिस्ट, तो उससे भी सीखो, बट गुरु होना बहुत ज़रूरी है। तो गुरु बिना ज्ञान अधूरा, अगर अपने ज्ञान को कम्प्लीट करना है तो गुरु होना बहुत ज़रूरी है। और आपका इक्विपमेंट जो है हमेशा सेफ और हाइजीन होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। जो भी इक्विपमेंट यूज़ करते हो उसको प्लास्टिक कवर करो, अच्छे से करो और अच्छे से अपना नाम बनाओ। अगर स्टार्टिंग में ही आप अपने आप पे, लोगों पे, फ्रेंड सर्कल में अगर ख़राब टैटू बना दोगे ना, तो आपका सर्कल ही ख़राब हो जाएगा, आपका नाम पहले ही ख़राब हो जाएगा। अब अगर मैं टैटू आर्टिस्ट बन रहा हूँ तो सबसे पहले मेरा सर जो है मुझे क्या बोलेगा कि आप अपनी बॉडी पे बनाओ, ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं। मैं ऐसे नहीं बोलता लोगों को, मैं प्रैक्टिस स्कीम में बनवाता हूँ, उसके बाद भी अपनी बॉडी पे नहीं बनवाता हूँ। उसके बाद में मैं उनको बोलता हूँ कि किसी फ्रेंड्स को लेके आओ, उसके सामने हम लोग टैटू करेंगे। वो भी एक ट्रस्ट आने के बाद में, जब उसने एक 5 स्किन 4 स्किन 10 स्किन ख़राब किया, अच्छे से टैटू आ गया, उसके बाद में उसको बॉडी पर टैटू बनाने का परमिशन देते हैं। ऐसे ही नहीं कि आप अपनी बॉडी पर बनाओगे तो ही सीखोगे, ऐसे बहुत सारे सरों के डायलॉग होते हैं कि अपनी बॉडी पर बनाओगे तो पेन आपको पता लगेगा, आपको ये पता लगेगा कि किस तरह से टैटू होता है। तो अपनी बॉडी का टैटू हमेशा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी बॉडी देख के ही तुम्हारे क्लाइंट जो तुम्हारे पर ट्रस्ट करेंगे। ट्रस्ट जो होता है ना, ये ट्रस्ट वाला बिजनेस है। तो हमारा जो ये काम है ना, ये ट्रस्ट वाला है। तो अगर कस्टमर तुम्हारा अच्छा है, VIP कस्टमर है, और तुम वो तुम्हारे सामने आया, तुम VIP लेवल पे पहुंच गए हो, लेकिन तुम्हारे टैटू खराब है बॉडी के, तो वो इम्प्रेशन प्रेजेंटेशन जो है ना वो नहीं होगा। वो आपको उस नज़रिए से देखेगा, आपके टैटू को देखेगा, और अगर इसके खुद के टैटू अच्छे नहीं है, मुझे क्या टैटू अच्छा बनाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप के ऊपर अगर टैटू कर रहे हो तो बहुत सोच समझ के करो, अच्छे टैटू करो। जब आप एक अच्छे आर्टिस्ट बन जाओगे तब अपनी बॉडी यूज करो, ठीक है। और दूसरों के ऊपर भी करना है तो आप एक लेवल पर पहुँच जाओगे, उसके बाद में लोगों की बॉडी पर टैटू करो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। और एक चीज़ जो मैंने आपको बताया, वापस एक बार बताता हूँ कि मशीन सस्ती होने से टैटू खराब बनेंगे इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर आप कलाकार हो, अगर आपको टैटू अच्छा आता है, अगर आप आर्टिस्ट हो, आपका आर्ट अच्छा है, तो आप सस्ती पेंसिल से भी ड्राइंग कर सकते हो, सस्ती मशीन से भी ड्राइंग कर सकते हो। महंगे मशीन से काम अच्छा नहीं होता। जैसे वो बाइक है ना, सब बाइक एक ही काम करती है, हायाबुसा भी वही करती है, यामा भी वही करती है, एक्टिवा भी वही करती है। बट अगर चलाने वाला स्ट्रांग रहेगा ना, तो वो यामा को भी भगाएगा, एक्टिवा को भी भगाएगा। अगर वो चलाने वाला स्ट्रांग नहीं है, उसमें वो चीज़ नहीं है जो एक राइडर में होती है, तो आप उसको अगर हायाबुसा भी दे दोगे, उसमें वो चीज़ नहीं है, तो वो हायाबुसा भी गिरा देगा, या फिर चला ही नहीं पाएगा, उसको साइकिल जमा के चलाएगा। तो ये सारी चीज़ें होती है। महंगी मशीन ले लोगे आप, लेकिन आपके अंदर वो कला ही नहीं है, आपके अंदर वो चीज़ ही नहीं है, तो आप वो टैटू तक नहीं पहुँच सकते हो। तो आप वो मशीन को ब्लेम कभी मत करना कि यार मैंने 50,000 की मशीन लिया, उसका भी काम अच्छा नहीं है। काम आपका अच्छा होना चाहिए, आपका काम अच्छा होगा, आपकी कला अच्छी है, आपका आर्ट अच्छा है, तो आपका टैटू 100% अच्छा होगा। अगर ये मेरी बातें कहीं आपको गलत लग रही है तो आप कमेंट में बताइए मुझे, तो मुझे भी समझ में आएगा कि मैं जो लोगों को बता रहा हूँ वो गलत है या सही है। तो मेरी बातों को आप अगर सुनते हो और समझते हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट में आप बताइए कि मैं क्या गलत बोल रहा हूँ, क्या सही बोल रहा हूँ, तो मैं आगे से उस पर ध्यान दूंगा। और दूसरी बात, ये मशीन अगर ऑर्डर करना है आपको, तो www.mumbaitattoo.com में 1000 रुपये की मशीन लीजिए और अपना काम स्टार्ट कीजिए। इसमें 3-4 कलर आते हैं, ये येलो मैंने आपको चला के बताया, और ये ग्रे कलर है। जो भी कलर अवेलेबल होगा वो मिल जाएगा, ज़रूरी नहीं है। देखो इससे लाइनिंग, शेडिंग, फीलिंग सब कर सकते हो। इसमें एक येलो में दूसरा कलर भी है, ये प्लेन येलो, ये डिज़ाइन येलो है, ठीक है। प्लेन रेड, प्लेन ग्रे, ओके। डॉलर वाला कॉइल, मतलब कॉइल का एक पेपर है जिसपे डॉलर बना हुआ है, और ये प्लेन कॉइल, इस पर कोई पेपर नहीं है, जस्ट ब्लैक रबर पे कवर किया हुआ है। 1000 रुपीज विथ 6 मंथ वारंटी ऑफ कॉइल्स, 6 महीने की वारंटी के साथ आप यूज कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।
अगला नेक्स्ट वीडियो देखना 5000 रुपीज का किट आपके स्टूडेंट लोग के लिए। अगर मेरे वीडियो टैटू आर्टिस्ट देख रहे हैं तो आपके स्टूडेंट लोग अगर छोटे लेवल से चालू करना है तो उनको प्लीज हेल्प करो, मेरे से किट बाय करके उनको वही रेट में दे दो और उनको आगे हेल्प करो, आप अपनी छोटी सी फीस लेके उसको स्टार्ट करवाओ। बट टैटू आर्टिस्ट लोग से रिक्वेस्ट है कि उनसे लाखों रुपया ना मांगो, आप लाखों रुपये जब मांगते हो तब उसका वो जो इंटरेस्ट है वो खत्म हो जाता है, तो कितने लोग जो है वो सोचते नहीं आ जाने दो बाद में देखेंगे ये वो करके फिर वो दूसरी कोई फील्ड में लग जाते हैं। हमारा आर्ट बढ़ रहा है तो हमारी चीज़ हमारा टैटू आर्टिस्ट अगर बढ़ते ना तो हमारा बिजनेस ग्रो होगा और टैटू आर्टिस्ट का भी इसमें फ़ायदा है, मार्केट बनती है। लोग सोचते हैं कि अगर यार एक टैटू आर्टिस्ट हूँ मैं, एक और बन गया तो यार कॉम्पिटिशन हो जाएगा, ऐसे कुछ भी नहीं है दोस्त। ये टैटू है ये आपको आपकी कला का पैसा मिलेगा, अगर आपका आर्ट अच्छा है तो आपको 100% अच्छा पैसा मिलेगा। अगर आपका आर्ट अच्छा नहीं है तो आप 100-200 रुपये 500 रुपये में टैटू बनाओ, आपका आर्ट अच्छा है तो 1000 रुपये में टैटू बनाओ, आपका आर्ट और अच्छा है तो 50,000-1,00,000 रुपये में टैटू बनाओ, डिपेंड करता है आपके आर्ट के ऊपर। तो ये कॉम्पिटिशन जो है ना ये आर्ट का है, तो आर्ट अपना सुधारो। ये मत सोचो कि यार इधर मेरे बाजू में भी एक आर्टिस्ट है, उसके बाजू में भी एक आर्टिस्ट है, इसके बाजू में भी आर्टिस्ट है, ऐसे कुछ नहीं होता। आर्टिस्ट कितने भी बढ़ेंगे बढ़ने दो, नो प्रॉब्लम। डॉक्टर्स एक हॉस्पिटल में साथ में 10-10 डॉक्टर काम करते हैं, लेकिन सबका एक अलग अलग काम होता है और सबका एक अलग अलग लेवल होता है, तो सबकी फीस एक अलग अलग होती है। तो कभी भी जो है टैटू को ना आप कंपेयर नहीं कर सकते कि ये 5000 में बना है, ये टैटू मैं 10000 में बना लूँगा, ये टैटू मैं 20000 में बना लूँगा। 20000 वाला बोलेगा अरे 20000 में बनाया, अरे मैं उसको 2000 में बना सकता हूँ, तो वो आपको 2000 जैसा ही काम देगा, वो 20000 वाला 20000 वाला जैसा देगा। तो पैसे जो है ना वो सब कला के हिसाब से देते हैं, इक्विपमेंट के हिसाब से नहीं होता। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। वीडियो लाइक करो, ज़रूर करो, अगर अच्छा लगे तो लाइक करो, अच्छा नहीं लगे तो आप अनलाइक करो, नो प्रॉब्लम। और अगर किसी को बताना है मेरे बारे में तो उसको लिंक फॉरवर्ड करो, उसको बोलो कि सब्सक्राइब करें और न्यू वीडियोस के लिए आपको बेल का जो बटन होता है वो आपको प्रेस करना है। ये सारी चीज़ें आपको पता ही है, हर कोई बोलता है, तो इसमें मेरा कोई एक्स्ट्रा फ़ायदा नहीं है, इसमें आपका ही फ़ायदा है कि आपको मैं वीडियोज़ दूंगा, आप खुद अच्छे से वीडियो देखोगे, मेरे को वीडियो से कोई पैसे नहीं मिलते और मैं वीडियो बनाता हूँ मैं आप लोगों के लिए अपना नॉलेज बांटने के लिए। तो अगर आपको वीडियो देखने में इंटरेस्ट है, लोगों को दिखाने में इंटरेस्ट है, तो प्लीज़ आगे लोगों को बताएं मेरे बारे में और मुझसे ऑर्डर करने के लिए www.mumbaitattoo.com या फिर मेरा फ़ोन नंबर 9022999 3269। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।